देखते जा रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हम लोगों ने नाउन देखे, नाउन के टाइप्स देखे, कौन कौन से प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे पर्सन है, प्लेस है, एनिमल्स हैं, ये देखे। उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने प्रोनाउन, इसको लोग सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा की। और उसके जो भी कागज हैं वो मैं आपको रूप में भेज चुका हूँ, आपने वो देखे भी होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसके अनुसार अपना प्रयास शुरू भी कर दिया होगा, बच्चों को बताएं हमें समझाएं। इस सिचुएशन में या इन समय में अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई डाउट हो, कोई कि भाई हम ये चीज बच्चों को कैसे बताएं, कैसे समझाएं, ये अगर चीज आपके कहीं पे भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज का सेशन जो है ये जो हमने पिछली बार जो सेशन लिया था उसी का हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें तीन चार चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा आज के ग्रुप में, तो आज के इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके। अगर मैं शुरू करने के पहले अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो जो मेरे का समय में आपको देता हूँ आप पूछ लीजिए, फिर हम अगला सेशन को शुरू करेंगे। तो अगर किसी को शंका है, कोई डाउट है, तो पूछिए प्लीज। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई चीज को कैसे समझाया जाए, ये अगर आपको जानना है या कैसे कुछ है, तो आप प्लीज पूछिए, मैं आपको तुरंत बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे आज के सेशन में। किसी को कोई डाउट है या लास्ट सेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है तो सर से जरूर पूछ लें, और उसके बाद सर आगे का स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि किसी के पास अभी कोई सवाल नहीं होगा। सरिता जी के पास, सरिता जी को लास्ट टाइम आवाज नहीं आ रही थी, तो सरिता जी कोई डाउट है उस सेशन से रिलेटेड, आपको कुछ परेशानी हो तो सर से जरूर पूछ लें। आज तो सबको आवाज आ रही है ना? जी जी मैडम, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। उस बार कुछ नहीं सुन पाई थी सर, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो कुछ नहीं समझ में आया था, सुन नहीं। कोई बात नहीं, आपको सही समझ में नहीं आई होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ, और आज मैं उसी चीज को फिर से आप लोगों के लिए सामने रखूंगा, वही चीज, और फिर हम उसमें आगे जाएंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम उसी चीज को रिपीट भी कर सकते हैं, और आपके लिए तो सभी के लिए सुविधा उपलब्ध है कि आप जब चाहे जो चाहे सवाल हमसे पूछे, जानकारी प्राप्त करें, कोई अगर शंका हो दिमाग में, कोई संशय हो, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं, बिल्कुल जी सर। जी सतीश जी, अनुमति है? जी जी सर जी, ठीक है, आपका सेशन चालू करते हुए। इंग्लिश में कंसेप्ट आती है जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। अब अगर आप कहेंगे कि ये एक्शन वर्ड्स क्या होता है, अगर आपको हिंदी व्याकरण के बारे में अगर जानकारी हो, तो हिंदी में हिंदी व्याकरण में एक चीज आती है क्रिया पद, जो जो क्रिया होती है उसको, क्रिया को दर्शाने वाला शब्द
जिसे हम ही आपस कहते हैं, राइट? सेम इंग्लिश में उसे हम कहेंगे एक्शन वर्ड, या इसी का दूसरा नाम है वर्ब, V-E-R-B-S. अब ये वर्ब से एक्शन वर्ड ये क्या होता है? तो ये हमें जो वाक्य की क्रिया जो है, जब कर्ता, कर्म और क्रियापद, ये तीन चीजें आती हैं, राइट? तो क्रियापद मतलब जो क्रिया है, कर्ता तो हमने देख लिया, जो नाउन के इसमें हमने कर्ता देख लिया, अब हम देखेंगे क्रियापद. तो क्रियापद का दूसरा नाम है एक्शन वर्ड. अब आपको ये समझाने का सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने पेश, ये पेपर जो आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर भी चुका हूँ, आपके पास पहुंच भी चुका है. इसमें करना कुछ नहीं है, कई जगह पे हमने चित्र बनाए हुए हैं, कई जगह पे चित्र नहीं बनाए हुए. तो व्हाट आर द थिंग्स यू डू डेली, आप रोज क्या क्या चीजें करते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है. अब जैसे यहाँ पे चित्र बनाया हुआ लिखना, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, यहाँ पे चीज पकड़ी हुई है तो ये होल्ड या कैच, ताली बजाई हुई है तो क्लैप, यहाँ पे चित्र बनाने का सामान है तो ड्राइंग, पेंटिंग, यहाँ पे हम हाथ जोड़ रहे हैं तो पैर, यहाँ पे जंप है, यहाँ पे स्विमिंग है, यहाँ पे शेक हैंड है, यहाँ पे क्राई है, जो जगह खाली है वहां पे आप अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं लिख सकते हैं. ये बच्चों को समझाने का सबसे आसान तरीका इसीलिए है क्योंकि क्रिया जो है वही आपका क्रियापद है और उसी को हम नाम देते हैं एक्शन वर्ड. इसी का ग्रामर की भाषा में अगर नाम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा वर्ब. अब वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब शुरू होगा. अब इसके पहले हमने क्या किया, हमने बच्चों को एक्शन वर्ब सिखा दिया, समझा जी. अब ये एक्शन वर्ब होने के बाद मतलब इसमें से क्रिया कौन कौन सी है ये हमने बच्चों को बता दिया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको कुछ शब्द लिख के दिए हुए हर सर्कल में, अब आपको ये करना है कि इसमें से वर्ब या एक्शन वर्ड कौन सा है ये आपको हमें खोज के बताना. अब इसको अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो इसके पहले का जो सिस्टम अपना हुआ था नाउन का, तो इसमें आप प्रॉपर नाउन, एनिमल नाउन के साथ भी जोड़ सकते हैं. अब मैं इसमें सभी के सभी चीजें आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सुविधा के लिए अभी बता रहा हूँ. जैसे अगर हमने इस सर्कल को कैट, अब इसमें छह शब्द है, एक दो तीन चार पांच, अभी पांच शब्दों में से ये शब्द हुआ कैट, उसका ये एक्शन वर्ड है. कैट नाम की कोई एक्शन होती है? नहीं. पैट, इस नाम की कोई एक्शन होती है? नहीं. फास्ट, हाँ फास्ट नाम की एक्शन तो होती है, लेकिन फास्ट क्या, चलना, दौड़ना, कूदना, बोलना, वो तो वो दिखा नहीं है, मतलब ये एक्शन वर्ड नहीं है. स्विम, हाँ स्विम ये एक्शन वर्ड हो सकता है. नहीं. अब हम यहाँ चलते हैं कूद, क्या कूद कोई एक्शन वर्ड है? नहीं. जैम, नहीं. डॉग, नहीं. डॉग तो एनिमल नेम हो गया,
एक्शन वर्ड है। अब आपको एक्शन वर्ड या वर्ब को फिल करना है या अंदर है। अब इसमें हम यहाँ चल जी नहीं हाय नहीं दा ये भी नहीं कौन ये एक्शन वर्ड हो सकता। तो ये एक तरीका है, मैं सभी आपको नहीं बताया हूँ, आपको कुछ ही बताया हूँ। तो ये एक तरीका है तो आपको बताना है कि एक्शन वर्ड तो वर्ब को हम कैसे बचाएंगे। तो जिस इसमें कोई क्रिया होती है कोई स्तुति होती है वो आपका एक्शन वर्ड कहलाएगा या उसे आप वर्ब बोल सकते हो। ये जी साफ हो गई सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और सामने कुछ शब्द बनाए हुए भी हैं। अब सभी चीजें तो बन नहीं पाए तो कुछ कुछ चीजें यहाँ सब है। अब अगर मैं यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे देखिए बच्चों में ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है बहुत ज्यादा। तो अब एक उदाहरण के तौर पे हमने शब्द लिया डॉग, यहाँ पे चित्र भी बनाया हुआ है। अब कुत्ता क्या क्या करता है ये आपको बता। तो write the verb या action word related to the word। जब आपको ये चित्र या ये शब्द दिखाता हूँ तो इसके साथ साथ कौन कौन से एक्शन या कौन कौन सी क्रियाएं कुत्ता करता है ये आपको खोज के लिखना है। जैसे जब बाहर कुत्ता भौंकता है कुली मारता है वॉक करता है काटता है तो ये सब क्रियाएं कुत्ते से संबंधित है जो आपको यहाँ लिखने। उसी का अगला उदाहरण ले सकते हैं मंकी। तो मंकी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आपको यहाँ लिखने। बंदा अब बंदा कूदता है भागता है लटकता है तो कोशिश ये करें कि जो क्रिया हम यहाँ पे लिख चुके हैं उसको हम आगे ना ले हम कुछ अलग किया है उसमें लिखे। जैसे लटकना हैंगिंग ये बंदर में आएगा कुत्ते में नहीं आएगा राइट। ऐसे लायन अब लायन इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये आपको हमें यहाँ पे बताना। बेबी छोटा बच्चा होता है छोटा बेबी होता है उसकी क्या क्या क्रिया है बच्चा क्या क्या कर सकता है सोचो। अब जब हम ये कोशिश करेंगे आपको एक ही ध्यान में रखनी है कि ये जो कोशिश हम करते हैं क्या होता है कोई भी एक चित्र जब हमारे दिमाग में आ जाता है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमें सामने दिखाई देती है। जैसे टीचर टीचर के सामने क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है टीचर क्या क्या करता है कौन कौन सी कुछ टीचर करता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा बच्चों का वोकैबुलरी या बच्चों के शब्द ज्यादा से ज्यादा बचे जाएंगे और वर्ब या एक्शन वर्ड ये उनको आसानी से समझ जाएंगे। इसका कारण ये है कि आगे चल के इसी वर्ब का पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस भी आएगा जहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन नहीं करें। अब इसका अगला सेंस में जब हम जाते यहाँ पे हमने 15 वाक्य लिखे हुए यहाँ पे कुछ चित्र भी बने हुए हैं उसको हमें बाद में देखना। अब इस वाक्य में आपको वर्ब कौन से है ये अंदर आएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इन चीजों को कागज को तो मैं एक चीज आपको साफ साफ दिखा दूं जो आप समझ में आ जाएगा। जो पहला पन्ना था यहाँ पे एक्शन वर्ड लिखा हुआ था
यहाँ पे वर्ब कहीं नहीं लिखा था, राइट। अब जब मैं दूसरे पन्ने पे आया तो यहाँ पे वर्ब और एक्शन वर्ड आया, राइट। अब यहाँ पे एक्शन वर्ड निकल गया, अब यहाँ पे आया वर्ब। वर्ब और एक्शन वर्ड का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो। अब ये अंडरलाइन जो वर्ब इज सेंटेंस, ये वाक्य आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं। इसमें आप ये प्रयास करें कि जो इसके पहले भी हमने किया हुआ है, नाउन, दो नाउन, प्रॉपर नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, साथ साथ में क्या होगा, आप बच्चों का ग्रामर भी पक्का करते जाए, तो इस चीज को आप कोशिश करें। इसमें लिखा गया है कि आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, लेकिन वर्ब के साथ साथ आपको और भी चीजों का ध्यान रखते चलना होगा। जैसे अ कैट जंप आउट ऑफ द विंडो, अब विंडो ये नाउन हुआ, कैट नाउन हुआ, जंप ये वर्ब हो गया। देखिए नाउन हम बच्चों को समझा चुके हैं, होता क्या है एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी चीजों को भूलते जाते हैं, तो हमें उनको वो चीज भुलानी नहीं है, हमें उनको वही चीज बार बार याद दिलाते रहना है। कैसे वर्ब तो हो गया, नाउन बता दो तो साथ में आपको नाउन भी बता देंगे, तो होगा क्या, बच्चे भूलेंगे नहीं और हमारा काम आसान होते जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, माय मदर कुक डिलीशियस फूड, अब इसमें आप नाउन भी बताएंगे, प्रॉपर नाउन भी बताएंगे और वर्ब भी बताएंगे। अब क्या करती है मम्मी आपकी, तो मम्मी खाना बनाती है, ओके खाना बनाती है, मतलब इसमें कौन सा शब्द होगा खाना बनाने के लिए, कुक, हाँ तो ये हो गया वर्ब। अब माय मदर, तो मदर ये हो गया नाउन, और माय मदर मेरी मम्मी ये हुआ प्रॉपर नाउन, राइट। अब फूल ये भी नाउन है, वी प्ले क्रिकेट, अब इसमें वर्ब आया वे वी नाउन, हम क्रिकेट खेलते हैं। सीमा रन वेरी फास्ट, तो सीमा ये प्रॉपर नाउन हो गया, जो लड़की का नाम है, और सर ये हो गया बॉस। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, सिंग ये हो गया वर्ब, और आई इज अ नाउन। आई लव आइसक्रीम, गुड, अब इसमें वर्ब कौन सा आएगा, तो लव नाउन आएगा, आई, तो ये प्रॉपर नाउन है। द स्क्विरल क्लाइम्ड द ट्री, स्क्विरल गिलहरी, अब ये वक्त मैं आपको जानबूझ के इसलिए बार बार दे रहा हूँ ताकि जैसे स्क्विरल है ये हमेशा आने वाला शब्द नहीं है, ये शब्द कभी कभार ही आते हैं, तो मोस्टली कोशिश ये हो कि जब ये शब्द बच्चों के सामने आते हैं, स्क्विरल है, रैबिट है, डिलीशियस है, तो ये शब्द बच्चों के सामने आते हैं, तो बच्चे उन शब्दों को एक अलग अंदाज में दिमाग में रखें, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को इन शब्दों को भूलने ना दिया जाए। द लिटिल रैबिट हॉप ओवर द रॉक, अब लिटिल रैबिट
रैबिट ये हो गया प्रॉपर नाउन, नाउन हुआ प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। हॉप जब कुछ मारना, अब हमें कुछ मारने के लिए जंप ये शब्द मालूम है, हॉप नहीं मालूम है, तो ये नया शब्द बच्चों को आंखों के सामने आ गया। देखिए पंद्रह वाक्य हैं, आज मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि ये आपका और आपके बच्चों का होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम वर्ब बच्चों को बताते हैं, जैसे क्रिया करने वाले शब्द, तो ये क्रिया जो बच्चों के सामने आती है, बच्चा वर्ब अच्छे तरीके से समझ पाता है, कर पाता है, ठीक है। अब अगले सेशन में जब हम चले, अब यहाँ पे वर्ब का एक अलग तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी 12 वाक्य हैं, मैं 12 में से आपको 6 बताऊंगा, 6 आपका होमवर्क होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कुछ वर्ब्स को ऊपर लिखा हुआ है, ये भी 12 ही है, ये यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो ये अलग अलग वर्ब जो है, ये अलग अलग जो क्रिया है, ये क्रिया है आपको बच्चों को समझानी है, बचानी है। अब उसके बाद ये क्रिया उस वाक्य में कैसे बैठती है, ये आपको बच्चों को समझाना होगा, दिखाना होगा। जैसे काउ ग्रास फ्रॉम द फील्ड, अब इसमें क्या आ सकता है, तो ईट आए, आई कैन डैश वेजिटेबल वेरी फास्ट, अब मैं सब्जी को तेजी से कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, डैश कर सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ, चॉप कर सकता हूँ, चॉप मतलब काटना, हाँ मैं चॉप कर सकता हूँ। यह क्या है, इसमें से दो चार शब्द आपको लेके बच्चों को बताते जाना, तो वो बच्चा आसानी से चीजों को समझ पाएगा या जोड़ पाएगा। जैसे वी इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, अब पार्क में हम क्या करते हैं, शॉपिंग, हॉप कुली मारते हैं, खाते हैं या वॉक करते हैं, हाँ वॉक करते हैं, तो वी वॉक इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। द बर्ड इन द स्काई, पंछी और आसमान, हाँ तो इसमें फ्लाई आ गया, राइट। आई टू स्कूल एवरी डे, क्या करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, वॉक आ सकता है, रन भी आ सकता है, तो इसमें दो चार पर्याय आपको देकर चलने। द फूड डिलीशियस, अब ये नया शब्द बच्चों के सामने आया, डिलीशियस, तो इसका मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, हाँ डिलीशियस क्या आएगा, ईट डिलीशियस या टेस्ट डिलीशियस, तो ये खामा है और ये स्वाद चखना है, जब हम स्वादिष्ट बोल रहा हूँ तो ये चखने वाली चीज आ गई, तो खाने का स्वाद चखने में अच्छा है, तो इस तरीके से हम बच्चों को समझा पे जाए। छह में बता चुका हूँ, छह आपका होमवर्क, अब आप कोशिश ये करेंगे कि छह के छह को आप किस तरीके से कर पाएंगे और बच्चों को कैसे समझा पाएंगे। पांच एक मिनट का समय अपने पास है सेशन के लिए, ये खत्म होने के लिए, तो मैं चाहूंगा आप अपने कोई सवाल हो तो मैं से पूछे, अभी जो हमने बताया इसके बारे में भी अगर कोई सवाल है या कोई आपको टिप्पणी करनी है तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं। फिर मैं आज के सेशन का अगला जो प्रोग्राम है उसमें चलूंगा,
तो वो हमें और आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर किसी को पूछना है, जानना है, तो प्लीज मेरे से बात करें, शेयर करें अपना अनुभव, अपनी जानकारी साझा करें, कुछ सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी सेशन खत्म होने के बाद हम अगले सेशन में नया प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है? जी स्नेहा जी, हाँ सर, लगता है किसी के कोई सवाल नहीं है। और अच्छा। हाँ, किसी का कोई सवाल है क्या? अंजलि जी, छाया जी, छाया जी, आपको आवाज आ रही है? रोजी, रोजी कुमारी, सीमा कुमारी, सरिता जी, किसी का कोई सवाल है तो सर से जरूर पूछे, नहीं तो ये 5 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सर आगे पढ़ाएंगे। जी हाँ, या कोई अनुभव हो जो अनुभव भी आप हमसे बता सकते हैं। कोई अपने अनुभव भी शेयर करना चाहता है तो सर से जरूर शेयर करें। अपने डाउट को आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इससे ये पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप तक आवाज हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है, आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलता है। सीमा जी का आ गया, नो डाउट मैम, ठीक है सर, फिर अच्छा, आगे कोई बात, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी सेशन जो हमने देखा था, ये देखा था हमने वर्ब के बारे में, मतलब एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जो भी क्रिया हम करते हैं, वो क्रिया हम बच्चों को सामने से बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई क्रिया बच्चों को बताए, अब उसे के उसका उल्टा क्या होगा या उसका विरोध क्या होगा या अपोजिट क्या होगा। तो अभी के सेशन में हम देखेंगे अपोजिट हम बच्चों को कैसे बचाएंगे, कैसे समझाएंगे, अपोजिट को देखते हैं अभी। अपोजिट समझाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चों को क्रिया या कुंजी समझानी हो। अब मैं ये आशा कर सकता हूँ कि बच्चों को शब्दों का मतलब या मीनिंग पता है। अब ये पेपर भी आपसे मैं शेयर करूंगा, थोड़े समय के बाद ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब कोशिश क्या करनी है, तो जैसे कुछ शब्द है न्यू, अब न्यू का अपोजिट यहाँ पे मैं लिखूंगा तो उसके बीच वाला अक्षर गायब है जो हमें बच्चों को बताना, तो न्यू का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड। सेम प्रोसेस है, 16 शब्द है, मैं आपको आज बताऊंगा इस साइड वाले, ये आप खुद को कर आगे या सामने, मतलब फ्रंट, FRONT, लेफ्ट राइट, स्टॉप मतलब रुकना, अपोजिट क्या बनेगा, START, स्टॉप।
good, bad, dry, sukhna, wet, W-E-T. जैसे अब से यहां पे आया लिटिल छोटा, बिग सिट बैठना, स्टैंड STANG, नाइट डे स्लो फास्ट हॉट कूल ऑफ ऑफ O N, high, low, fat, mota, कपड़े बनता है chin, T H I N. हमेशा प्रयास हमें क्या करना है इसमें, जब हम बच्चों को इस चीज से बताते हैं या समझाते हैं, बच्चे हमेशा लिखने में आमा करते हैं और ये अफ्रीका में सभी शिक्षकों की कंप्लेंट होती है, तो बच्चे लिखने में तकलीफ। जब हम इस तरीके का पेपर बच्चों को देते हैं तो बच्चों को आसानी इसलिए होती है क्योंकि अच्छी छोटा प्राणी है, मैंने सर तो अच्छी जो बड़ा प्राणी है, यहाँ का लिखोगे बिग एनिमल या ह्यूज एनिमल, यहाँ पे बिग या ह्यूज ये आप पूछ सकते हैं। रोज इज अ अग्नि फ्लावर, ये फ्लावर थोड़ी थोड़ा खूबसूरत है, तो अजीब अपोजी क्या आएगा, ब्यूटीफुल फ्लावर। ये एक्टिविटी ऐसे जब हम करेंगे तब हम बच्चों को वाक्य और उसके अलग अलग मतलब अच्छे आसान से समझा पाए। इसका फायदा ये होगा कि आपको दोनों चीजें हो, जैसे अब मैं सभी वाक्य नहीं बताऊंगा, मैं बताया है यदि एक बता देता हूँ नौ नंबर, अ बॉक्स इज फुल ऑफ रॉ बनाना, रॉ मतलब कच्चे, तो कच्चे के लिए कैसे हो सकते, पके हुए होने चाहिए, तो पके हुए को हम क्या मौसम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ में राइट ये शब्द आप यूज कर सकते हो, तो ये एक तरीका होता है बच्चों को अपोजिट समझाने। अब इसी के इसमें हम आगे चलते हैं, ये भी सेम प्रोसेस है जो अभी हमने शब्द देखे उसी का अगला हिस्सा है ये, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें कुछ शब्द अलग भी, लेकिन आपको एक करना होगा हर शब्द के साथ साथ बच्चों को उसका मतलब जब हम बताते जाएंगे तब हमारा हमारा तीन जगह से फायदा होता है, एक बच्चे को नए नए शब्द पता चलते हैं, दूसरा तो बच्चे की वोकैबुलरी बची है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है, और तीसरा चीज बच्चे की सोचने की क्षमता पर इसका असर अच्छे तरीके से होता है। इस चीज का आप हमेशा प्रयास करें, ये जो जो नए शब्द आते हैं ना उसको ब्लैक बोर्ड के कोने में कहीं से लिखते रखें ताकि वो बार बार बच्चों के आंखों के सामने आते जाए, जब वो बार बार आएंगे ना तो बच्चा उन शब्दों को भूलेगा। ये चीज है जैसे चीप, चीप सस्ता या हल्के दर्जे का, अब उसका परीक्षा बनेगा कॉस्टली, इजी आसान डिफिकल्ट, लाइट लाइट के जो मतलब होते हैं एक तो उजाला भी होता है और एक हल्का भी, अब यहाँ पे हमें लेना है उजाला इसलिए वो आएगा डाउन, वाइट चौदह पूछ जाएगा नैर शंकर, फूल वाह वीक कमजोर, तो सेल बेचा, बेचने का पूछ क्या बनेगा
बार ब्लंट शार्प ब्लैक व्हाइट राइट डॉग। तो ये एक शब्दों का संग्रह बच्चों के आंखों के सामने आते जाएगा, तो मुझे आशा है कि बच्चे इन वाक्यों को आसान से समझ। अब एक चीज क्या कर सकते हैं हम बच्चों को, ये सब अलग अलग शब्द तो हमने बच्चों को बता दिए समझा दिए, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चा उन शब्दों को सोचने के लिए जाबा पकड़ी नहीं करता। अब इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपके साथ मैं जाऊंगा, इसका एक वीडियो बना के आप में से कोई भी शिक्षक के रूप में भेजें। ये एक दिलचस्प एक्टिविटी, यहाँ पे क्या हुआ है क्रॉसवर्ड बोलते हैं, आपको भी पता है ये डाउन वाले शब्द है ये अक्रॉस वाले शब्द। इसमें जो शब्द लिखे हैं ये इसमें नहीं बने हैं, इसका अपोजिट आपको इसमें भरना, समझ गए आप? आपको इसका अपोजिट भरना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, बाबा शब्द है हैप्पी और यहाँ पे है एस, अब लिखोगे एस ए जी, जैसे आठवा शब्द इसमें लिखा है फैट, अब आप यहाँ पर लिखोगे टी एच आई एन, समझ गए थीम। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करते हैं। आप अपने कमेंट्स अपनी टिप्पणियां अपनी जानकारी आप हमसे शेयर करें, और ये चीजें मैं आपको रूप में भेज रहा हूँ। इन चीजों के ऊपर सबसे अच्छा अब बेहतरीन वीडियो मुझे कौन दे सकता है ये आप हमें अभी बताएं, कौन प्रयास करेगा इसको अच्छे तरीके से बना कर भेजने के लिए। बहुत अच्छे से सर आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो एक्टिविटी है इसको ग्रुप में सर जरूर शेयर करिएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो आपने अपोजिट का जो क्रॉसवर्ड वाला जो था लास्ट वाला ये तो बहुत ही शानदार है, बच्चे मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको करेंगे। और भी कोई ज्ञान दूत कुछ कहना चाहेगा, प्लीज आप लोग ये एक्टिविटी करा के और ग्रुप में जरूर शेयर करिए। सरिता जी, आप लोग जो अंजलि जी और ये कोई मूवी स्टार नाम नहीं पता जी जी मैम, है ना सर जो लास्ट वाले बताए हैं ना उसको ना बच्चे गेम की तरह ना बहुत अच्छे से करेंगे मैम। हाँ 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 वही गेम की तरह बहुत एंजॉय करेंगे, अगर आप अच्छे से एक बार हमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। तो आप लोग इसको करा के और ग्रुप में जरूर शेयर करिए। जी जी मैम, किसी का कोई सवाल? चलिए सर लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। कोई बात, आप लोग जो ग्रुप में फोटो भेजते हो या वीडियो भेजते हो ये आपके साथ साथ हमें भी प्रेरणा देता है और दूसरे साथियों को भी प्रेरणा देता है। कोशिश ये करें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम फोटो भेज पाए, वीडियो भेज पाए, जितनी एक्टिविटी भेज पाए, ये हमारे साथ साथ और कई सारे लोगों को ये उत्साहित करता है। ये प्रोत्साहन देने का जो कार्य है ये आप अच्छे तरीके से करें और अच्छा करें, सबको भेजिए, सबको प्रोत्साहित करें, और ये चीजें जितनी हम आपस में एक दूसरे के साथ बात सकते हैं दे सकते हैं उतना दीजिए, सभी को इसमें काफी अच्छा फायदा। जी सर,
चलिए सर, बहुत अच्छा। और सभी ज्ञानदूत से एक छोटा सा अनुरोध है कि जब भी हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, तो कृपया सब लोग समय से जुड़ जाएं। सर को वेट करना पड़ता है, थोड़ा वो समय व्यर्थ जाता है, तो सब लोग अगर समय से समय का ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सभी ज्ञानदूत को, थैंक यू।